24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। उरई जालौन में शहीद वीर अब्दुल हमीद सामाजिक समिति एवं कार्यक्रम अध्यक्ष हमीसा कादरी समाजसेवी यूसुफ अंसारी अलमारी वाले शायर शफीक रहमान कस्बी हसन बाबा मगन मंसूरी ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि शहीद वीर अब्दुल हमीद सामाजिक समिति के द्वारा 14 मई दिन रविवार को सुपरमार्केट जेल रोड रजिस्ट्री ऑफिस के पीछे मनीष अग्रवाल काजूसेठ ग्राउंड उरई में 11 कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जा रहा है। संस्था के अध्यक्ष हमीसा कादरी ने बताया कि सामूहिक विवाह समारोह में कार्यक्रम उपाध्यक्ष मनीष अग्रवाल, कार्यक्रम सरपरस्त जुल्फकार अहमद सज्जन भाई, समाजसेवी यूसुफ अंसारी अलमारी वाले, कार्यक्रम संरक्षक दिलीप दुबे रिनिया, कार्यालय प्रभारी मगन मंसूरी, दरियाव सिंह यादव, समाजसेवी घनश्याम कोरी, समाजसेवी प्रबल प्रताप सिंह आटागांव, विशेष सहयोगी लाल सिंह पांचाल आदि का सहयोग विवाह कार्यक्रम सम्पन्न करवाए जाने में मिल रहा है। कार्यक्रम अध्यक्ष हमीसा कादरी ने बताया कि विवाह सहयोग की सभी तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई हैं। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से गोविंद सिंह की खास रिपोर्ट। चौदह मई को आप शादी सामूहिक शादी सम्मेलन कराने जा रहे हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है और कितने सम्मेलन आज तक कराए गए हैं? लगभग 21 बार सामूहिक विवाह करा चुके हैं 2014 से। लगातार फिजूल खर्च बचाने का प्रयास किया जा रहा है। शहीद वीर अब्दुल हमीद सामाजिक समिति द्वारा 11 बेटियों की शादी संपन्न कराई जाएगी। किस तारीख को किस ग्राउंड में होने जा रहा है? तारीख 14 मई को काजू सेठ का ग्राउंड है रजिस्ट्री ऑफिस के पीछे, उसमें 11 कन्याओं की शादी की जाएगी। अभी तक कितने सम्मेलन आप करा चुके हैं? अभी तक लगभग 1000 कन्याओं की शादी हो चुकी है पूरे बुंदेलखंड में। लगातार मोदहा, पुरारा, रामपुरा ब्लॉक, उरई, हर बार फिजूल खर्च बचाने का काम कर रहा है। साल में कितने समारोह कराते हैं? लगभग 3 से 4 शादियाँ प्रोग्राम हो जाते हैं। इसमें सहयोग भी लेते होंगे अपने लोगों का? इसमें हमारे जो कमेटी के सदस्य रहते हैं उनका विशेष योगदान रहता है, हमारे समाज के लोगों का बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो इस बार हिंदू लड़कियों में कितनी है, मुस्लिम में कितनी है? मुस्लिम जोड़े 7 हैं और 4 हिंदू भाइयों के। अच्छा, उनके खाने पीने की क्या व्यवस्था करते हैं? उनके खाने पीने का पूरी सब्जी मीठा रहता है शाकाहारी के। दहेज में क्या क्या उनको भेंट किया जाता है? उसमें बाइक से लेके और फ्रिज वॉशिंग मशीन घरेलू के जो सामान होते हैं जरूरत बनने पर पूरे दिए जाते हैं। तो इसमें कोई बाहर से कार्यक्रम मुख्य अतिथि वगैरह हैं? इसमें यही लोकल जनपद जालौन के लोग रहेंगे, हमारे दिलीप दुबे रिनिया जो बहुत अच्छे समाज सेवी है, यूसुफ अंसारी साहब वो भी हम बढ़ के हिस्सा लेंगे, और हमारे काजू सेठ जिनकी जगह है अमित अग्रवाल जी वो भी मौजूद रहेंगे। अभी पप्पू भाई आप तो समाज सेवी हैं, आप भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं, तो इस संबंध में आपको कुछ क्या? सबसे पहले आप लोगों का स्वागत करना चाहता हूं, और बड़ी खुशी की बात तो ये है कि हमारे ज़िले में जो शहीद वीर अब्दुल हमीद सामाजिक संस्था है जिसके संस्थापक अब्दुल हमीद शाह जी हैं, संरक्षक के तौर पर यूसुफ अंसारी साहब, ये लोग इनकी संस्था एक ऐसा काम कराती है जिसकी आज बहुत। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।